सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बिग बॉस 17 के इस वीक का वीकेंड का वार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और इस वीकेंड के वार में सलमान खान स्पेशली जो है आयशा खान से बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीकेंड के वार में आप सभी को पता है कि आयशा खान को जो है सलमान खान ने पूरी तरह इग्नोर किया था और इस तरह जो है सलमान खान ने उनकी काफी बेइज्जती की थी, क्योंकि भाई इस वीक में जो है आयशा खान ने घर के अंदर इतने सारे झूठ बोले है जिसमे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फंस चुकी है। और गाइज, आपको बता दें कि यहाँ पर बीते दिनों जो है अभिषेक कुमार ने आयशा खान के झूठ को जो है कहीं ना कहीं पकड़ ही लिया था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर सलमान खान आयशा खान से स्पेशली पूछेंगे कि उनका मुनव्वर के साथ रिश्ता क्या है। सलमान खान बोलेंगे कि जब तुम बाहर से क्लेम कर आई थी तब तुम बोलती हो कि यह अब मेरा दुश्मन है, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन घर में जैसे ही आने के बाद तुम्हारे तेवर पूरी तरह बदल गए, तो आज क्लियर कर दो कि आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है। लेकिन यहाँ पर आयशा खान अपने आप को डिफेंड करते हुए सलमान खान को क्लियर करती है, लेकिन सलमान खान जो है इनकी नहीं सुनते हैं। सलमान खान कहते हैं कि तुम जो है ईशा से जाकर कुछ और बोलती हो, मुनव्वर के साथ कुछ और बोलती हो और अंकिता से जाकर अलग बात करती हो। सलमान खान बोलते हैं कि मुनव्वर फारूकी के सामने तुम एकदम इनोसेंट बन जाती हो, लेकिन हर किसी से जो है उसकी पीठ पीछे बुराई करती हो। तो गाइस, कहीं ना कहीं जो है इसी तरह जो है सलमान खान आयशा खान की जो है इस वीकेंड के वार में भाई क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वन वीक से ज्यादा हो चुका है इनका रिश्ता जो है कहीं क्लियर नहीं हो पाया है। और भाई ये बात को जो है बीते दिनों जो है अभिषेक कुमार ने आयशा के मुंह पर ये बोला कि तुम आई तब जो मुनव्वर से जो है अपोलोजी मांगने आई थी, मुनव्वर से बदला लेने आई थी, अपने आप को जो है डिफेंड करने आई थी, अपने आप को जो है सही साबित करने आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है घर में आई थी, और वन वीक तक जो है पूरे शो में उसने तुम्हारा साथ दिया, फिर भी तुम उसी के मेंटल हेल्थ से कैसे खेल सकती हो। तुम्हारी वजह से उसके पूरे शो में बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी वजह से उसका शो पूरा डाउन फॉल में चला गया है। और इसी के साथ साथ भाई नील भट्ट ने भी जो है मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में जो है आयशा खान को एक्सपोज किया था शो के अंदर। एंड मनारा चोपड़ा तो भाई पूरी तरह जो है आयशा खान के पीछे पड़ी है, वो तो सभी को पता है, लेकिन गाइज यहाँ पर ये लड़की जो है पूरा डबल गेम खेल रही है। वेल दोस्तों, इस शो के अंदर जो है आयशा खान क्या कर रही है भाई किसी को समझ नहीं आ रहा है। वेल दोस्तों, इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गाइस बिग बॉस से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं यार, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।